हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट ट्रीज 2.0। गाइस आज हम लोग देखने वाले हैं हंसते रहो गुरु चैनल से पापा की परी स्कूटी गर्ल। पापा की परी स्कूटी लेकर निकली, ऑफ कोर्स भैया पापा की परी है और उसके पास स्कूटी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है जाएगी। आज देखते हैं कौन सी पापा की परी स्कूटी कहाँ फंसा रही है ना। स्टार्ट करते हैं वीडियो और उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। ओके, बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना। अरे कैसे नहीं नाचेगी, हम कुत्तों ने पैसे दिए, नाच नाच। वाओ, वो एक कुत्ता चला गया। ए चल चल, अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है भैया आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे, और अगर नहीं भी है तो भैया कोई बात नहीं, क्योंकि हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए कुछ ऐसे ही फनी वीडियोस लेकर जिसको देखकर आपकी टेंशन भाई पल भर में छूमंतर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको पापा की परियों के कुछ ऐसे फनी कारनामे दिखाएंगे जिनको देखकर आप हंसते हंसते सिर्फ एक ही बात सोचेंगे कि यार इस चैनल को सब्सक्राइब तो भैया करना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये सब करने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, गलती से भी किसी भी पार्ट को मिस मत करना वरना भैया बाद में आप ही पछताएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों एक जमाना था जब औरतें कपड़े धोने के लिए नदी तालाबों या फिर घाटों में जाया करती थी, और भाई अब का जमाना है कि औरतें नदी तालाबों पर कपड़े धोना तो बहुत दूर की बात है, हाथों से कपड़े धोना तक पसंद नहीं करती है, इसलिए भाई मशीनों में धोती है। अब यही बात मोहतरमा ने भी सोची और पुराने जमाने को फिर से जिंदा करने के लिए ये नदी पर कपड़े धोने चली गई। लेकिन ज्यादा दिन होने की वजह से ये कपड़े धोना भूल गई और सर्फ को एक बाल्टी के अंदर डालने के बजाय पूरी नदी के अंदर ही डाल दिया और फिर कपड़े धोने लगी। वाह स्त्री महान है तू सच्ची। अबे यार अकल तेरी क्या घास चढ़ने गई है। हद है भाई। दोस्तों कहते हैं कि प्यार जो होता है वो अंधा होता है, लेकिन भैया देखो मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि इस क्लिप को देखने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है कि प्यार अंधा नहीं बल्कि प्यार में पढ़ने वाले अंधे होते हैं, और क्या पता भाई किसी चक्कर में लूले लंगड़े भी हो जाए। कैसे भाई ये खुद ही देखिए। देखिए दोस्तों ये बात हम सभी जानते हैं कि बेटियां बहुत ही ज्यादा समझदार होती हैं और इन्हें लक्ष्मी का रूप भी मानते हैं। लेकिन दोस्तों वही मेरे एक बात समझ में नहीं आई कि अगर बेटियां सबकी अच्छी होती हैं तो फिर इतनी खतरनाक बीवियां यार आती तो आती कहां से? जरा आप देखिए तो सही, बेचारा ये भोला भाला पति डर के मारे कितने प्यार से रोटियां पका रहा है और इधर ये समझदार लक्ष्मी मोबाइल चला रही है। भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि शादी के वक्त जरूर भगवान इनके अंदर कोई नया सॉफ्टवेयर डाल देते हैं। अच्छा लड़का बता सकते हैं कि हमारा भारत किस चीज के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है? हमेशा वही पकाती है ना। भाई डांस लगता है क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों का डांस भाई बहुत ही कमाल का है, कोई तोड़ ही नहीं है इस डांस का। जी हाँ, लेकिन भाई वही कभी कभी कुछ नमूने ऐसा डांस करते हैं जिनको देख कर हंसी रुकने का नाम ही नहीं लेती है, और हंसी रुके भी कैसे, आखिर ये नमूने करते ही ऐसा अतरंगी डांस है। इस बार हम आपके लिए एक ऐसा ही डांस लेके आए हैं, लेकिन ये डांस नमूना नहीं बल्कि नमूनी कर रही है, जरा आप भी देखिए ना। ये क्या है, ये तो सचमुच में पापा की परी हो गई, अभी कुछ देर में उड़ भी जाएगी। इस पापा की परी के डांस को देखकर भैया ऐसा लगता है जैसे ये हवा में उड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन बेचारी उड़ नहीं पा रही। वैसे आपका इस नॉन फ्लाइंग डांस वाली परी के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों आज की वीडियो हमने स्पेशली पापा की परियों के ऊपर बनाई थी, तो भैया आज उन्हीं की बातें होने वाली है। उड़ गई। अगर हम उनकी पसंद की बात करें तो भाई पानी पूरी से ज्यादा इनको क्या ही पसंद होगा। जैसे ही पानी पूरी का ठेला भाई इन्हें नजर आता है तो भैया उस पर तो ऐसे टूटती हैं कि पूछो ही नहीं। अभी पापा की परी भी इन्हीं दूसरी परियों की तरह पानी पूरी की दीवानी थी और ठेले पर एक के बाद एक घपा घप, जी हाँ पानी पूरी खाए चली जा रही थी। लेकिन पानी पूरी खाते वक्त इसके दिमाग में एक सवाल आता है और ठेले वाले से पूछती है कि भैया आज तो आपको अपनी पानी पूरी का राज बताना ही पड़ेगा, आखिर ये इतनी टेस्टी क्यों लगती है। लेकिन दोस्तों जैसे ही पानी पूरी वाला अपनी पानी पूरी का राज बताता है तो भाई राज देखकर परी के तो होश ही उड़ गए। वाओ, आज तो आपको बताना ही पड़ेगा इस स्वादिष्ट पानी पूरी का राज क्या है। यहाँ है बस, हवा निकल गई। और खा लो।
दोस्तों गेम खेलते वक्त कभी कभी ऐसे कारनामे हो जाते हैं कुछ, जिनको देखने के बाद हमें काफी ज्यादा हंसी भी आती है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये पापा की प्यारी सी परी बॉलिंग गेम खेल रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि आदमी जोश जोश में कभी कभी अपने होश खो देता है, और यहाँ भी इनके संग कुछ ऐसा ही हुआ। इनको फर्स्ट नंबर पे बॉलिंग करनी थी, लेकिन जोश में आकर इन्होंने ऐसी बॉल फेंकी कि भाई फर्स्ट के बजाय सेकंड नंबर पे चली गई, और गई तो गई, लेकिन फिर सेकंड नंबर से फर्स्ट क्लास में होती हुए बॉल इनके पास वापस आई, जैसे मानो इन्होंने बॉल पर कुछ तंत्र मंत्र करके भेजे हों। आए आए। भाई दोस्तों जब भी एक छोटा बच्चा रोता है तो उसकी माँ उसे चुप कराने के लिए हर कोशिश करती है, यानी कि उसे बाहर घुमाने ले जाती है या फिर खिलौने से उसको बहलाती है और भी बहुत सारी कोशिशें करती है। लेकिन दोस्तों आप जरा इस महिला की टेक्निक को देखिए, कैसे ये रोने की आवाज पर एक्टिंग करती हुई उसे चुप कराने की कोशिश कर रही है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा फनी लग रहा है। उसके रोने पे वो कैसे कैसे लोग रहते हैं, पाप कर रही है। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहा है अब। दोस्तों हमें जब भी बस या ऑटो में कहीं बैठकर जाना होता है तो हम उनके आगे हाथ लंबा करके उन्हें रोकते हैं, और ये काम हर कोई करता है, आपने भी कभी ना कभी किया होगा। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा हम ट्रेन के आगे कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि भैया वो तो स्टेशन पे ही आके रुकती है। हाँ, लेकिन दोस्तों लड़कियां बिल्कुल अलग होती हैं, ये कुछ भी कर सकती हैं, असंभव को भी संभव कर सकती हैं। जी हाँ, जैसे कि आप यहाँ पर इन मैडम को देखिए, इनको इस ट्रेन में सफर करना है और ट्रेन को रोकने के लिए ये बस और ऑटो की तरह यहाँ पर अपना हाथ लंबा कर देती हैं, जैसे कि मानो इनका हाथ लंबा करने से ट्रेन जो है रुक जाएगी। पहली बात तो ये स्टेशन पे ही खड़ी है, वहाँ रुकेगी, लेकिन ये हाथ क्यों दे रही है, आदत से मजबूर। वो लोको पायलट भी देखकर सोच रहा होगा ये कौन सी महान आत्मा है भाई, कहां से आ गई। कहां से आते हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं अब। लेकिन हाँ भाई, अगर यही सीन फिल्म या फिर सीरियल में होता तो वहाँ पर जरूर ट्रेन रुकती, क्योंकि ये लोग तो भाई मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर दे। दोस्तों एक कहावत तो हम सबने सुन रखी है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। भैया कुछ ऐसा ही सिस्टम हम इंसानों में भी है, जो इंसान सबसे ज्यादा भोला दिखता है ना वो उतना ही ज्यादा चतुर और चालाक होता है। अब जैसे कि हमारे समाज में लड़कियों की तुलना भाई गाय से की जाती है कि हमारी बेटी तो बिल्कुल गाय है, गाय हाँ। कुछ नहीं जानती, सीधी है, बोली कुछ नहीं जानती तब तो बेकारी है। दोस्तों आप जरा इन लड़कियों को देखिए, इनके एक्सप्रेशंस को देखकर भाई कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि ये गाय है। अरे भैया ये गाय नहीं, कछु और है। हाँ वो पेट्रोल भरने वाला भी शर्मा रहा है। अब दोस्तों इतनी सारी क्लिप्स हमने आपको दिखाई, इनमें से कौन सी वीडियो आपको सबसे अच्छी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए, बाय बाय। ओके यार यहाँ पे ये वीडियो खत्म। भाई साहब क्या वीडियो थी, मतलब यार क्योंकि भाई एक से एक नमूने और नमूनी दोनों दिखाई गई है ना, खासकर नमूनिया। एक तो वो बैंड के सामने यूं यूं करके नाच रही है, अबे उड़ेगी क्या, चूतिया है बिल्कुल। ये कैसा डांस है भाई, माना कि तुमको अगर डांस करना नहीं आता तो तुम थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, समझ में आता है, ये कौन सा डांस है। अजीब पागल लोग हैं, इनको मज़ा आता है अपना मजाक बनवाने में। और ये सबसे आखिरी वाली, ये मैडम जी ट्रेन के सामने हाथ लंबा करके उसको रोक रही हैं। अबे भाई वो आदत है, पता है स्टेशन पे ही खड़ी है, पता है कि ट्रेन रुकेगी, लेकिन फिर भी ऑटो वगैरह को, ऑटो वाले भैया जी रुक जाओ हाथ देने की आदत होती है ना, एक वो आदत हर जगह जो आ जाती है। तो इस टाइप के बहुत सारे इसमें क्या ही बतावें अभी लोग थे। एक वो दिखाया गया था, वो पता नहीं कहाँ चार दीवारी में ऐसे बीच में बैठी हुई महिला जी फ़ोन पे बात कर रही थी, मतलब कहाँ घुस गई भाई फ़ोन पे बात करने के लिए, अपने बाबू से बात करने के लिए कहाँ ही घुस गई है। अभी निकलेगी कैसे वहाँ से।
सो आई होप आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।